भागवत पुराण तृतीय स्कंद 23वां अध्याय। कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मुनि मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत प्रसंतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं, वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, तुझ श्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है।
किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उबटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं प्रेरित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए इसका भी विचार कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला अत्यंत सुंदर सब प्रकार के रत्नों से युक्त सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खम्भों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झड़ियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बहुत सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचनाओं से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियां थी। उसके द्वारों में हरि के किवार थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हरी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसा जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हो, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव थे मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा
तब सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू तुम इस बिंदुर सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़ कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, स्वर्ग गुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आशव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार हेमुल, हाथों में कंगन और पैरों में चमचमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुटुंग मादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर, दंतावली मनोहर भौहें, कमल की कला से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलका वली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखा और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व
उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरियों उसकी सेवा में लगी हुई है तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियाँ उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ आठों लोकपालों की विहार भूति है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक सूरसन नंदन पुष्पभ्रद और चैत्र रथ आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद्यों का आश्रय लिया है उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है अपनी प्रियाओं को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनुकारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामाशक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेशों को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग के तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से
अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुदेर रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्रह्मन इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगों में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आशक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्य पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की।